हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमें आशा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे ग्रुप में ओ लेवल वाला चैनल में आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज हम आप लोगों को आज हम बताते हैं प्रैक्टिकल। आज हम लोगों का दूसरा क्लास, अभी तक पहला क्लास आपका क्या हो गया, कल का क्लास आप लोगों को हमें आशा कि समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी तो उसमें आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज की पहली क्लास है, देखिएगा क्लास में प्रैक्टिकल दूसरा है, ठीक। जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनका जिनका ओ लेवल का आईटी का प्रैक्टिकल होगा। सबको क्या करिए, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं उसके बाद, ठीक है। फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। शुभम, और जल्दी फटाफट जितने लोग कल लाइव थे उतने लोग आज भी लाइव आ जाए जल्दी से जल्द, ठीक है। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं उसके बाद। गुड इवनिंग। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है क्रिएट बिल्स, पहला क्वेश्चन है क्रिएट बिल्स यूजिंग शेप टेक्स्ट बॉक्स एंड टेबल्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर। हमको एक क्या करना, क्रिएट करना बिल, ठीक। अपने लिब्रे ऑफिस में क्या करना है, क्रिएट करना है बिल जिसमें आपको क्या क्या यूज करना है, शेप, ठीक। फर्स्टली आपको क्या यूज करना है, शेप यूज करना है, ठीक। दिया है पहले क्या यूज करना है, शेप, ठीक। टेक्स्ट बॉक्स एंड टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। हमारी क्लास जो जो लोग लिए होंगे हम उनको बताए हैं कि किस तरीके से आप बिल को तैयार कर सकते हैं, बनाए हैं, अगर आप क्लास लिए होंगे तो। चलिए एक बार हम आप लोगों को ऑनलाइन भी बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करना है। हमने आपको बताया है ओपन करना, कल भी बताए थे, आज भी बताते हैं क्या करना है, ओपन करना है किस चीज को, लिब्रे ऑफिस राइटर को। तो ओपन करिएगा विंडो प्लस आर, क्लिक करेंगे कीबोर्ड में विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर क्लिक करने के बाद हमारा क्या ओपन हो जाता है, रन ऑप्शन, ठीक है। रन ऑप्शन ओपन होने के बाद आप इस पे क्या सर्च करेंगे, एस राइटर, क्या सर्च करना है, एस राइटर। एस राइटर क्लिक करने के बाद ओके क्लिक कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाता है। तो देखिए हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ओपन हो गया, ठीक। अब हमको क्रिएट क्या करना है, अभी हमने आपको दिखाया एक बिल बनाना है जिसमें यूज, उसमें यूज करना क्या क्या, शेप का, टेक्स्ट बॉक्स का और टेबल, ये तीनों चीज इसमें यूज होना चाहिए। और अच्छा बनाना होगा तो एक आध पॉइंट और कुछ भी डाल लीजिएगा, बॉर्डर वगैरह भी बना लीजिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। आपका लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो चुका है भैया, लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर दिया गया, गुड इवनिंग, ठीक। जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इंसर्ट कराना पड़ेगा, पहले पेज की साइज आप सही करिए। तो हम क्लिक करते हैं पेज पे, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। पेज, पेज पे क्लिक करिए, पेज पे क्लिक करने के बाद आप क्या करिए, पेज की साइज छोटी कर लीजिए। क्यों, क्योंकि हमारा जो बिल बनता है, जो बिल बनाना है वो हमारे कौन सी साइज होना चाहिए, A5, ठीक है। आप साइज ले लीजिए, कौन सी साइज, A5 साइज, हमने A5 साइज ले लिया, ठीक है। उसके बाद आप इधर मार्जिन वगैरह ना जो है नैरो कर लीजिएगा, नैरो करने के बाद आप इसको हटा दीजिएगा। हटाने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्लिक करना है अपने जूम साइज पे और क्या कर देना है, फिट विड्थ एंड हाइट, क्या करना है, फिट विड्थ एंड हाइट। क्लिक करने के बाद सीधा आप क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक। ये आपका क्या एक साइज हो गया, कौन सी साइज बन गई, एक बिल की साइज, आप बिल बनाना है तो एक आपकी ये क्या हो गया, साइज बन गया है। अब इसी में आपको क्या करना है, बिल को क्रिएट करना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल को बनाना, ठीक। बहुत शानदार क्लास रहेगी, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जो आपके खास होंगे उनको भी, और उनको भी शेयर कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए अब आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद पेज स्टाइल पे क्लिक करना भैया,
राइट क्लिक करिए और पेज स्टाइल, और हमको लेना है बॉर्डर। क्या लेना है? बॉर्डर। बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? बॉर्डर लेना पड़ेगा। देखिए क्या करना है, आप क्लिक करिए बॉर्डर पे, स्टाइल, स्टाइल पे आप स्टाइल ले लीजिए जैसी स्टाइल चाहिए, ठीक, ब्लैक, ठीक है। उसके बाद आप क्या, विड्थ थिकनेस थोड़ा सा इसकी बढ़ा दीजिए और अप्लाई ओके कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? बॉर्डर आ जाएगा। इसी बॉर्डर में क्या करना है आपको, बनाना है, ठीक, ध्यान से देखिए एकदम भैया, कोई भी चीज ना छूटे, अगर कोई भी चीज छूटेगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, टेबल लेना है, दूसरा चीज टेबल इंसर्ट कराना है, टेबल पे क्लिक करिए, ठीक। आपका दो जगह से टेबल इंसर्ट करा सकते हैं, एक आप स्टैंडर्ड टूल बार में भी टेबल होता है, दूसरा चीज मेनू बार में भी टेबल है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ ट्वेल्व, इसकी शॉर्टकट की होती है, या फिर आप कंट्रोल प्लस एफ ट्वेल्व पे क्लिक करिए, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होता है, टेबल होता है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप 5x3 ले लीजिए, क्या लेना है, 5x3, ओके क्लिक कर दीजिए, देखिएगा आपका शो होने लगा होगा, आ गया होगा, समझ में आ रहा कि नहीं एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कमेंट जरूर करिएगा भैया, ठीक। चलिए इसके बाद देखिए क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना अपना क्या, टेबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका बॉर्डर, बॉर्डर से एकदम सटा हुआ, थोड़ी थोड़ी सी क्या करना है, जगह करना है, ठीक। टेबल और बॉर्डर के बीच में क्या करना, लाइन के बीच में हमको जगह चाहिए, तो इसके लिए आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, टेबल प्रॉपर्टीज, ठीक, टेबल प्रॉपर्टीज, उसके बाद टेबल, ठीक है। टेबल में आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, मैनुअल पे क्लिक कर दीजिए। मैनुअल पे क्लिक करने के बाद आपको सब में 10 सेंटीमीटर ले लेना, कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक। सब आप अप डाउन राइट, स्पेसिंग में आप हर साइड क्या करना है, 10 लेके और ओके कर देंगे, तो इस तरीके से देखिए हमारे टेबल और हमारे बॉर्डर के बीच में क्या हो गया है, जगह हो गई है लाइन के। आगे देखिएगा अगला चीज क्या करना है, आपको ध्यान से देखिएगा, ठीक। दूसरा चीज अब आप क्लिक करिए और इसको स्क्रेच कर दीजिए नीचे तक, बढ़ गया लाइन, ठीक, हमें आशा है ये भी आपको समझ में आया होगा, और स्क्रेच कर दीजिए नीचे तक, ठीक, हो गया, थोड़ा कम जगह करिए, ठीक। करने के बाद अब इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट करने के बाद इसको आप मर्ज कर दीजिए। हमने आपको सिखाया है, अगर ऑफलाइन हमसे क्लास किया है तो हम टेबल बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं, किस तरीके से टेबल को मर्ज करते हैं, किस तरीके से इंसर्ट करते हैं रो और कॉलम्स को, टोटल हर चीज बताया है। तो आप क्या करिए, इनको मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने के लिए आपका इधर ऑप्शन दिया है टेबल में, मर्ज कर दीजिए। ये देखिए आपका क्या हो गया, मर्ज हो गया, बहुत अच्छी तरह से क्लास चल रही है भैया, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक, 100% बता रहे हैं, 2 दिन की क्लास लिए, कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन तो फंस जाएगा, अगर डेली आप क्लास लेंगे तो गारंटी देते हैं आप पास होने के लायक हो जाएंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या करना है अब आपको, ठीक, हमारा क्या इंसर्ट हो गया, टेबल भी। अब हमको लाना पड़ेगा क्या, जानते हैं, लाना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स, सीधा क्लिक करते हैं हम लोग टेक्स्ट बॉक्स पे, किस पे, टेक्स्ट बॉक्स पे, ठीक, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं, इधर आपका है, कहाँ पे है, स्टैंडर्ड टूल बार में टेक्स्ट बॉक्स है, उस टेक्स्ट बॉक्स पे क्या करिए, क्लिक करिए टेक्स्ट बॉक्स पे, और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, ड्रा कर दीजिए, ठीक, ड्रा हो गया टेक्स्ट बॉक्स। ड्रा करने के बाद अब क्या पूछ रहा है, ठीक, अब आपको लिखना है, ठीक, नाम वगैरह लिखना, जो भी लिखना आप यहाँ पे सीधा नाम लिख सकते हैं, प्रोप्राइटर, ठीक,
कुमार। ठीक, थोड़ी सी इसकी साइज वगैरह अगर आपको बढ़ाना होगा तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, साइज बड़ी कर लीजिए, बोल्ड ना करके इनकी 12 से 14 कर लीजिए या 13 कर लीजिए। ठीक, ये हुआ। दोबारा आप क्या करिए, ध्यान से देखिए, ठीक ये हो गया। नेक्स्ट, दोबारा टेक्स्ट बॉक्स मंगाइए। क्या मंगाना आपको, टेक्स्ट बॉक्स। दोबारा आप क्रिएट करिए टेक्स्ट बॉक्स, एक लाइए। ठीक, अब इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्या लिखना है, ये क्या चीज आप बना रहे हैं, कैश। ठीक, सेलेक्ट करिए और बोल्ड करिए। बोल्ड करने के बाद आप अंडरलाइन लगाइए। ठीक, हो गया। और इनको उठा के आप ऊपर कर दीजिए। हो गया, समझ में आया इतना। ठीक भैया, साइज इनकी छोटी थोड़ा कर दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट काम क्या करना है, दोबारा आपको टेक्स्ट बॉक्स मंगाना है और दोबारा क्या करना है, ड्रा करना है। देखिएगा ध्यान से, एक बार कमेंट तो कर दीजिए, कम से कम तसल्ली मिल जाए कि आपको समझ में तो आ रहा है। फोन नंबर आप क्या लिखना है, फोन नंबर। ठीक, आपका ये बन गया। अब क्या करना है, दोबारा आपको लाना क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। क्या लाना है, टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट कराइए टेक्स्ट बॉक्स को, दोबारा आप इंसर्ट कराइए टेक्स्ट बॉक्स और इसमें लिखिएगा कोई भी नाम, लिखिए कोई भी चीज़ का। ठीक, तो हम लिखते हैं कंप्यूटर का नाम। ठीक, सेंटर। इनको सेलेक्ट करिए और क्या कर दीजिए, बोल्ड। बोल्ड करने के बाद आप साइज बड़ी कर दीजिए इनकी। क्या करिए, साइज को बढ़ा दीजिए। ठीक, ज़्यादा बड़ी भी मत करिएगा। ठीक, साइज भी बढ़ा दें। अब देखिए, थोड़ा सा इनको ऊपर रखिए। हो गया। ठीक, ये मिड में नहीं है तो इनको क्या करिए, आप मिड में करिए। ठीक है, अब सही लग रहा है, हमें लगता है। सेलेक्ट करिए और 20 के जगह पे इनको थोड़ी सी साइज और बड़ी कर दीजिए, 21 कर दीजिए या फिर 22। ठीक, इतना बना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, दोबारा आपको क्लिक करना है शेप पे और राउंड शेप लेना। क्या लेना है, राउंड शेप। ठीक, राउंड शेप लेके आप ड्रा कर दीजिए यहाँ पे। हटा दीजिएगा,
और डिलीट कर दीजिए, और इस पर डबल बार क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए। ठीक, राइट क्लिक करने के बाद एरिया, एरिया पे जाने के बाद नो कलर और ओके कर दीजिएगा। ठीक, क्या करना है, एरिया नो कलर नन, नन पे क्लिक करने के बाद एंटर, आपका कलर हट जाएगा। उसके बाद दोबारा क्लिक करिएगा लाइन, लाइन पे जाने के बाद आप इधर लाइन की कलर ले लीजिएगा ब्लैक कलर, और सीधा क्या कर दीजिए, ओके, आपकी लाइन की भी कलर क्या हो जाएगी, ब्लैक कलर। उसके बाद आपको इस पे लिखना है क्या, जहाँ पे आपकी कोचिंग रहेगी उसका नाम लिखना होगा। ठीक, ठीक है, तो कोचिंग का नाम लिखते हैं जहां पर भी रहेगी। ठीक, तो लिखना है ठीक है, इतना आप कर लेंगे। इसके बाद आगे देखिए दोबारा क्या करना है, दोबारा आपको लाना क्या, टेक्स्ट बॉक्स दोबारा लेके आना है। टेक्स्ट बॉक्स दोबारा आप क्लिक करिए टेक्स्ट बॉक्स पे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद दोबारा क्या करिए, आप क्लिक करके ड्रा करिए टेक्स्ट बॉक्स, और इसमें आपको क्या लिखना है। ठीक, देखिएगा इस पे क्या लिखना है, सेंटर कर दीजिए और लिखिएगा ऑल काइंड्स ऑफ प्रिंटिंग सॉल्यूशन सॉल्यूशंस। ठीक, सेलेक्ट करिए और क्या कर दीजिए, साइज बोल्ड करिए, थोड़ी सी साइज इसकी आप बड़ी कर लीजिएगा। ठीक, दोबारा सेलेक्ट करिए, दोबारा इनको सेलेक्ट करिए, 15 से 18 कर लीजिए या फिर 16 कर लीजिए। ठीक, हमें आशा है कि ये भी आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या करना है। आगे करना है आपको टू लिखना है, दोबारा टैब दबाइए, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू, टी ओ टू। ठीक, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करिएगा, साइज बड़ी करिएगा। ठीक, और इस दोबारा स्पेस दबाइएगा, यहाँ पे क्या लिखना है, डेट, क्या लिखना भैया, डेट, डेट के बाद दो तीन लाइन है, इस तरह से डॉट डॉट लगा दीजिएगा जी। राम प्यारे भैया, देखिएगा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, हमको आशा है। अगर नहीं समझ में, कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, समझ में तो आ ही रहा होगा हमको लगता है। ठीक, हम नीचे आ जाएंगे। ठीक, नीचे आने के बाद आप इस लाइन को क्या करेंगे, ऊपर ड्रैग करके यहां पे रखिए आप। ठीक, और ऊपर कर लीजिए, ठीक।
ठीक है भैया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको दोबारा वही काम करना है, इसको स्क्रैच करिए और नीचे लेके आ गई। ठीक हो गया। जिसमें आपको करना क्या है, इनको उठा के ऊपर रखना, ठीक। इसमें आपका लिखना है सीरियल नंबर, ठीक। दूसरे में क्या लिखना है, क्वांटिटी, क्यूटी बस लिखिएगा क्वांटिटी। नेक्स्ट पार्टिकुलर, पी ए आर टी एस सी यू एल ए पार्टिकुलर्स। नेक्स्ट में रेट रहेगा, रेट। नेक्स्ट में अमाउंट क्या रहेगा, अमाउंट, ठीक। इनको आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद सीधा आप इनको क्या कर दीजिए, सेंटर। सेंटर हो गया, साइज बड़ी कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए। समझ गए इतना चीज, हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद तुरंत आपको एक ब्लो में क्या लाना है, ठीक। ब्लो में एक लेते आइए रो, ठीक। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद नीचे आपको क्या करना है, नीचे आप एक लाइन ड्रा करिए, ठीक। लाइन का आप दोबारा क्लिक करिए लाइन पे, लाइन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से एक लाइन स्क्रेच कर दीजिए, सीधी लाइन शिफ्ट के साथ, ठीक। और इस लाइन को थोड़ा सा डाउन करिए, राइट क्लिक करिए, लाइन पे जाइए। लाइन पे जाने के बाद सीधा आप इस लाइन को क्या कर दीजिए, ब्लैक, ओके, ठीक। बन गया। बनने के बाद आप लाइन पे दोबारा क्लिक करके और कंट्रोल जेड करके ये लाइन जो एक्स्ट्रा हो गई है हटा दीजिए, और इनकी साइज को क्या करिए, छोटी करिए, क्वांटिटी छोटा करिए, इधर अमाउंट सही है, रेट को कम कर दीजिए, ठीक। हमें आशा है इतना आप लोग समझ गए होंगे। ओके, देखिए आगे देखिएगा। अब क्या करना है, नेक्स्ट आपको करना है टोटल। यहाँ पे आपको दोबारा क्या करना है, लाना है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स लाने के बाद सीधा आपको क्या लिख देना है, टोटल, ठीक। क्या लिखना है, टोटल। टोटल लिखने के बाद आप, ठीक, इसके बाद इनको आप क्या करिए, स्क्रैच करके यहाँ करिए और थोड़ी सी साइज इनकी कर दीजिए, आप बोल्ड कर दीजिए सबसे अच्छा, ठीक। तो ये रहा आपका, बन गया। अब नेक्स्ट आपको रुपीज इन वर्ड लिखना है नीचे, ठीक है। क्या लिखना रहेगा, रुपीज इन वर्ड। दोबारा आप एक इंसर्ट कराइए और यहाँ पे आप क्या लिखिए, सीधा आप लिख दीजिए सिग्नेचर, ठीक है। क्या लिखिए, कस्टमर साइन कर दीजिए, ठीक। कस्टमर
साइन करने के बाद इनको भी आप बोल्ड कर दीजिए। एक साइड क्या हो जाएगा, कस्टमर साइन हो जाएगी, कस्टमर की, ठीक। एक साइड आप कस्टमर की साइन कर लेंगे, एक साइड क्या करेंगे सिग्नेचर लिख लीजिएगा, केवल और केवल सिग्नेचर। दोबारा टेक्स्ट बॉक्स को क्या करिए, इंसर्ट कराइए। इंसर्ट कराने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखे, सिग्नेचर, ठीक। सिग्नेचर, और इनको भी आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा क्या कर दीजिए, बोल्ड। ये रहा आपका तैयार हो गया, ठीक है भैया, बन गया। ठीक, अभी हमने आपको बताया कि आपको बनाना क्या, कैश मेमो, ठीक है। तो आपका ये रहा कैश मेमो तैयार हो गया। और भी इसमें कुछ अगर एडिट करना चाहेंगे, अगर आपको बैकग्राउंड कलर लगाना है तो बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस पे वाटर मार्क लगाना है तो इस पे भी आप क्या कर सकते हैं, वाटर मार्क लगा सकते हैं। जो भी आपको करना है आप इस पे कर सकते हैं। कलर लगाना है तो पेज पे जाइए, पेज पे जाने के बाद बैकग्राउंड कलर करिए, आपका क्या हो जाएगा, कलर लग जाएगा। हमें आशा है कि ये आप बना लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। दोबारा एक बार प्रयास करिएगा, एक बार मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। ये बना लेंगे ना सभी लोग, अगर बना लेंगे तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, एक्सेल। अब दूसरा पे क्या आपको कार्य करना है, एक्सेल पे कार्य करना है। देखिएगा एक बार कैसे क्या करना है एक्सेल पे। हमें लगता है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़िए, अगला आपका है, ओपन करिए दोबारा क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि आपको एक क्रिएट करना है। स्टूडेंट आपका इधर दिया है, स्टेटमेंट दिया है, इसी स्टेटमेंट पे आपको क्या करना है, फाइंड करना है टोटल, उसके बाद एवरेज रिजल्ट, मैक्सिमम मिनिमम मार्क, आपको इतना चीज क्या करना है, निकालना है। जी सर, ओके ओके, ठीक। तो देखिएगा हम आपको दिखा रहे हैं कैसे क्या करना है। दोबारा आपको क्या ओपन करना है, एक्सेल, एक्सेल ओपन करना है या कैल्क, ठीक। कैल्क ओपन करना है तो वही शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, विंडो प्लस आर, और इस पे सर्च करेंगे यस कैल्क। क्या सर्च करना है, यस कैल्क, और इंटर कर देंगे, तुरंत आपका क्या ओपन हो जाएगा, यस कैल्क ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इधर आपका जो जो स्टूडेंट जो चीज दिया वही चीज इस पे आपको क्या करना है, लिखना है। देखिएगा ठीक, नेम इंग्लिश हिंदी जो भी लिखा है आप तुरंत इसको क्या कर लीजिए, टाइप कर लीजिए। देखिएगा सभी लोगों को दिख रहा होगा, हमको आशा है, ठीक। तुरंत इसको लिखिए, ठीक, एक मिनट। लिखिएगा पहला नेम, दूसरा क्या है इंग्लिश, इंग्लिश, तीसरा है हिस्ट्री, हिस्ट्री, उसके बाद साइंस, साइंस, नेक्स्ट है टोटल, ठीक है टोटल हो गया। नेम लिखिए, नेम लिखिएगा अजीत, पंकज, सुमित, बस इतना बनाते हैं। इसके बाद इन लोगों का नंबर्स लिख दीजिएगा 88, ठीक, 55, 64, हिस्ट्री में कितना है 9, ठीक। ये रहा आपका टोटल बन गया। अब आपको निकालना क्या क्या है, टोटल निकालना है। देखिएगा क्या क्या निकालना है, एक बार आप दोबारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें आपका सबसे पहले टोटल निकालना है। टोटल निकालने का फार्मूला होता है इक्वल टू, ठीक, क्या फार्मूला होता है इक्वल टू, ठीक, इस पे लगाएंगे इक्वल टू सम, एस यू एम, सम, ओपन ब्रैकेट, ठीक, ओपन ब्रैकेट, और सिलेक्ट कर देंगे इंग्लिश हिस्ट्री और साइंस को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे, आपका टोटल निकल जाएगा। जो अनित लिखा गया क्या, ओ सॉरी, अजीत के जगह पे अनित लिखा गया, AJIT, ठीक है।
टोटल आपका अजीत का नंबर कितना हो गया 253। आप कुछ नहीं करना, आप एक एक का नहीं निकालना, आपको केवल और केवल क्या करना, ड्रैग कर देना, इस डाटा को ड्रैग करना है, तो तीनों लोगों का क्या निकल जाएगा, टोटल कितने नंबर पाए हैं आपका निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका था एवरेज। क्या है, एवरेज निकालना है इन तीनों लोगों, ठीक, तीनों में एवरेज निकालना है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, पहले लिख लीजिए क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज, ठीक, इक्वल टू एवरेज, एवरेज ओपन ब्रैकेट, क्या करना है, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट के बाद आप क्या करेंगे, इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर देंगे, तो इनका क्या निकल जाएगा, एवरेज आपका निकल जाता है। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं सही है, तो इक्वल टू करिए, इक्वल टू करने के बाद आप टोटल 253 बटे ठीक 3 कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, देखिए एकदम करेक्ट बताया एवरेज। एवरेज जैसे निकलता है वैसे भी आप निकाल लेंगे तब भी आपका निकल जाएगा, और फार्मूला से निकालना चाहेंगे तो फार्मूला से भी निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक, नेक्स्ट क्या, मैक्स, उसके बाद मिन, ठीक, उसके बाद लास्ट हमारा क्या है, रिजल्ट। क्या है, रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट। ठीक, चलिए देखिए, मैक्स, मैक्सिमम नंबर, इन सब टोटल में आपको क्या करना, मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू एम एक्स मैक्स। अगर जो ऑफलाइन क्लास पढ़े होंगे उनको हम कैल्क में मैक्सिमम मिनिमम एवरेज रिजल्ट टोटल ये सब कुछ हमने पढ़ाया हुआ है, आप जो नहीं पढ़े वो ऑनलाइन पढ़ लें। ठीक, देखिए इक्वल टू मैक्सिमम सबको सेलेक्ट करेंगे तीनों, और ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर देंगे, इन तीनों में सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है, 90। हिस्ट्री में कौन पाया, अजीत ने कितना नंबर पाया है, 90 नंबर। अब मिनिमम चेक करना है, इक्वल टू मिनिमम ओपन ब्रैकेट, ठीक, सेलेक्ट करेंगे तीनों लोगों को, और ब्रैकेट क्लोज, इंटर, तीनों सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तुरंत क्या बता देगा कि अजीत ने सबसे कम नंबर मिला है, कितना, 75 नंबर, और अजीत को सबसे ज्यादा नंबर मिला है 90 नंबर, और सबसे कम 75 नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं रिजल्ट, मतलब पास है या फेल है, इसको चेक करना है, बहुत अच्छा चीज है रिजल्ट, ध्यान से देखिएगा। ठीक, रिजल्ट निकालना है, ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू इफ और इफ ओपन ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सेल को, ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिएगा कितने में से, 33, 33 से अगर कम रहेंगे तो ये क्या रहेंगे, फेल रहेंगे अंदर पास। ठीक, कामा दोबारा सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट, और दोबारा वही चीज करेंगे 33 कामा, ठीक, नेक्स्ट तीसरा सब्जेक्ट, जितना सब्जेक्ट रहेगा उतने सब्जेक्ट में आप क्या करेंगे, 33 से कम करना है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना, ब्रैकेट क्लोज कामा, ठीक, डबल इनवर्टेड कामा में लिखिएगा फेल, डबल इनवर्टेड कामा क्लोज कामा, डबल इनवर्टेड कामा पास, क्या कर देना है, पास, डबल इनवर्टेड कामा क्लोज, उसके बाद इंटर कर दीजिएगा, ये क्या है, पास है। अगर कोई भी आप 30 नंबर डालते हैं तुरंत ये क्या बता देगा, फेल बता देगा। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है, अगर 33 नंबर से कम है तो तुरंत क्या बता दिया, फेल बता दिया, अगर 33 से अप है तो क्या बताया, पास। लेकिन अगर एक चीज और, कई लोगों का कंफ्यूजन होगा कि अगर 33 नंबर हो तो क्या बताएगा, क्या 33 नंबर, इंटर करेंगे तब भी पास बताएगा, 33 नंबर रहेगा तब भी क्या बताएगा, पास बताएगा, अगर 32 हो जाएगा तो तुरंत फेल बता देगा। ये रहा आपका दूसरा भी क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में पूछा था टोटल एवरेज मैक्स मिनिमम और रिजल्ट, हमने आपको बता दिया, हमें आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आपको कल हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछता क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, एक क्रिएट करना प्रेजेंटेशन 5 स्लाइड के साथ, कल भी हमने आपको बताया था, एक 5 स्लाइड के साथ हमने क्रिएट किया था, जिसमें ट्रांजिशन लगाना, इफेक्ट स्लाइड, एवरेज 2 सेकेंड ऑटोमेटिकली, ठीक, 2 सेकेंड में क्या करना है, प्ले करना है। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से होगा। तो आपको ओपन करना क्या है, इम्प्रेस, तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या ओपन करना है,
इम्प्रेस ओपन करना है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक भैया, विंडो प्लस आर एस इम्प्रेस, एस इम्प्रेस इंटर कर देंगे, तुरंत हमारा क्या ओपन हो जाएगा, एस इम्प्रेस। हमें आशा है कि आप लोगों को दो का दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्या करिएगा, दोबारा देखिएगा। अगर कोई भी ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम्स होंगी तो आप क्या करिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिएगा, ये सिंप्रेस ओपन हो गया। इसमें पांच स्लाइड बनाना है, पांचों स्लाइड में इफेक्ट देना है। ठीक, चलिए तैयार करते हैं पांच स्लाइड। ठीक है, एक स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड, दो स्लाइड हुई, तीन स्लाइड, चार और एक पांच स्लाइड। पांच स्लाइड हमने तैयार कर लिया। पांचों स्लाइड में क्या करना है, कुछ ना कुछ लिखना आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। कल हम आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बताए थे। ठीक, जनरेशन देखे तो हम जनरेशन ना देखे केवल क्या कर देते हैं, नाम लिखते हैं। ठीक, रोहित, दूसरे में मोहित, केवल हम नाम दे रहे हैं भैया, आप लोग लिख लीजिएगा जो चीज वहां पूछेगा क्या चीज इसमें भरना। ठीक, उसके बाद जनरेशन याद करके जाइएगा, सबसे अच्छा पांच जनरेशन के बारे में लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा कल की वीडियो जो थी। हो गया, पांचों स्लाइड में हमने क्या किया, लिख दिया कुछ ना कुछ नाम। अब जनरेशन आप लोग याद करिएगा टाइम। ठीक, चलिए अब पांचों स्लाइड में हम लगाते हैं, देखिए कैसे लगता है। आप क्लिक करेंगे किस पे, हटा दीजिए इसको और क्लिक कर दीजिए आप, किधर गया, नीचे एनिमेशन पे क्लिक करिए। एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट करिए। ठीक, पहले एनिमेशन ना लगाना, उस पर एनिमेशन नहीं लगाने के लिए बोला, ठीक है, उस पर ट्रांजिशन लगाने के, वो इफेक्टेड इफेक्ट लगाने को बोला, तो आप क्या करेंगे, इफेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक, किस पे क्लिक करना है, ट्रांजिशन स्लाइड। ठीक, अब देखिए अलग अलग तरीके का है। ठीक, पांचों पे आप क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। ठीक, पांचों पे आप लगा दीजिए। ठीक, हमने क्या किया है, पांचों पे लगा दिया। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, एवरी टू सेकेंड, ठीक, ऑटोमेटिक, ठीक, दो सेकेंड में अपने आप ये क्या करना चाहिए, प्ले होना चाहिए। ठीक, हमने पांचों में कुछ ना कुछ लगा दिया, एक बार चेक करते हैं कि लगा है कि नहीं लगा। पांचों में प्ले कर दीजिए, प्ले करके देखिए। ठीक, पांचों में लग गया है, तो आप सेलेक्ट करिए और क्या कर दीजिए, यहाँ पे ऑटो मैटली कर दीजिए। स्लाइड सो या फाइव, टू सेकेंड, नो साउंड। ठीक, हट गया, ठीक, ये रहा, इस पे लगा है, इस पे नहीं लगा, सब पे लगा लीजिए, देखिएगा। ठीक, सब पे लगा लीजिएगा, पहले हट,
लग गया सब पे, ठीक, हमें लगता है सब पे लग गया है, ठीक है। इसके बाद लगने के बाद आपका जो टाइमिंग है, इधर हम आपको दिखाते हैं, ड्यूरेशन दिया है, इसी ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, लिखना है ड्यूरेशन में कितना आपका बोला है, 2 सेकंड, कितना बोला है, 2 सेकंड, 2 सेकंड करके, और आप क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। कल आपको ये वीडियो हमने दिखाया था, बनाया था, कल भी आप लोग कल का भी देखिएगा और आज का भी देखिए। कल क्या था, कल एनिमेशन हमने लगाया था, क्या लगाया था, एनिमेशन, लेकिन आज क्या लगना है, स्लाइड ट्रांजिशन लगाना है, जिसमें बोला था कि हर स्लाइड कितने सेकंड की होनी चाहिए, 2 सेकंड की, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, हर स्लाइड 2 सेकंड की कर दिया है, ठीक। तो 2 सेकंड बाद वो ऑन हो जाएगी, ठीक। हमें आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा और उनसे सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा। फिर दोबारा हम लोगों की मुलाकात होगी अगले दिन इसी टाइम पे 3 बजे ही, और नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, जो आपके पेपर में आ सकता है, 100% तो नहीं कह सकते, फिर भी आपको हम ये कह सकते हैं कि आने का चांस हो सकता है, ठीक। मुलाकात होगी अगले दिन, जय हिंद। Thank you.